हमारे साथ धोखा सा हुआ है कि एक अच्छा कलाकार चला गया। क्या कहना चाहेंगे आपके किसी के बारे में? बहुत ही दुखद दिन है और अभी भी जब हम आज सुबह भी गाने, जब से ऐसा सुनने में आया तब से रोज़ हम गाने सुन रहे हैं और ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअली वो हमारे बीच नहीं है। इतनी जिंदा दिल आवाज़ वाला इंसान हमारे बीच नहीं है, ये बहुत मुश्किल है प्रोसेस करना। मेरी फैमिली भी यहाँ पर है, मेरे पापा का भी इच्छा थी कि उनका अंतिम दर्शन हम करें यहाँ पर, बट अभी प्रोसेस में शायद थोड़ा सा वक्त है इसलिए हम नहीं कर पा रहे। मेरे पापा प्रोफेसर हैं लेकिन फिल्मी गानों के बड़े शौकीन रहे हैं। तो क्या कोई गाना सॉन्ग आपको? हम बहुत प्रतिभाशाली गायक थे और उनके गाने हम लोग बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं और ये गाना मुझे बहुत पसंद है और वो दिल में जगह लेके और दे के चले गए, जो उनका बड़ा प्रसिद्ध गाना है दिल में दे जगह, तो मेरी जरा से दिल में दे जगह, तो ऐसा लोकप्रिय गाना और अनेक अनेक गाने ऐसे गायक बहुत सालों बाद कोई पैदा होते हैं। संगीत केवल मनोरंजन का काम नहीं करता, हमारा तनाव, हमारा डिप्रेशन, हमारा सुखद रहवास, ये सारी चीज़ें तय करता है। उसमें कृष्ण कुमार जी का भाई के का बड़ा योगदान था और जब तक ये संगीत की दुनिया है उनका नाम अमर रहेगा। उनका 53 वर्ष की आयु में अकस्मात चले आना सबको लगा जैसे एक हमारे साथ धोखा सा हुआ है कि एक अच्छा कलाकार चला गया। मेरी श्रद्धांजलि है, मैं एमपी से छतरपुर, खजुराहो के लिए प्रसिद्ध है, खजुराहो का डिस्ट्रिक्ट प्लेस छतरपुर है, मैं वहाँ से यहाँ हूँ और यहाँ पार्क में हम लोग घूमने आते हैं, मुझे साइट का है तो एक्सरसाइज करने, फिजियोथेरेपी करने मैं यहाँ आया, देखा कि सब उनको श्रद्धांजलि देने दूर दूर से लोग आए हैं, मैं पुनः पुनः अपनी आदर अंजलि विनयांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। आपको गाना बोले उनका कोई गाना जो फेवरेट है आपका? चल आ मेरे संग चल। थैंक यू।